बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। फ्रेंड्स, चैनल पर पास पेपर्स अपलोड ही हैं पॉलिटिकल साइंस के भी, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो उन वीडियोस को भी लाजमी विज़िट कर लें। आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा पेपर किस टाइप का आएगा। और आज मैं आप लोगों से पॉलिटिकल साइंस का कैस पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला इसमें से आपको ज़रूर पेपर आएगा। सबसे पहले मुख्तसर सवालात के बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले जो आपने सवाल करना है वो इल्मी सियासियात की तारीफ करें, ये लाजमी है आप लोगों ने करना है। इक़्तदार आला की चार अकसाम बयान करें, शहरी के चार फ़राइज़ बयान करें, हकूक़ की दो तारीफ़ें लिखें, आमरीत के चार खामियाँ बयान करें, इंतज़ामिया के चार फ़राइज़ बयान करें। स्टूडेंट्स, चैनल पर जो है पास पेपर्स अपलोड हैं, इसके अलावा 2023 के जो पेपर्स होंगे वो भी साथ साथ अपलोड किए जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है वो वाकई और कानूनी इक़्तदार आला में फ़र्क बताएं, रियासत की तारीफ़ करें, रियासत और माशरे में क्या फ़र्क है, इस्लामी फलाही रियासत के फ़राइज़ लिखें, रियासत के अनासिर बयान करें, अच्छे अवामी नुमाइंदे की खसूसियात बयान करें, सदारती तर्ज हुकूमत की खसूसियात बयान करें, इंतखाब के चार तरीक़े लिखें, वफाक की कामयाबी की चार शरात बयान करें, क़ानून के चार तरीके माखज़ बयान करें, मुकन्ना के चार फ़राइज़ बयान करें। स्टूडेंट, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, चैनल पर जो हैं वो पाकिस्तान स्टडी के इस्लामियात के गैस पेपर अपलोडेड हैं, इंग्लिश का भी गैस पेपर अपलोड कर दिया गया है। कल आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को विज़िट कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं तफसीली सवालात की तरफ। इसमें आप लोगों ने जो सवालात करने हैं वो है इल्म सियासियात की तारीफ़ करें, नीज़ इसका फ़ायदा और अहमियत और वसत भी बयान करें, कानून की तारीफ़ करें और इस्लामी कवानीन के माखज़ बयान करें, कानून की मुख्तलिफ इकसाम बयान करें, राय आमा के इजहार के ज़राए और बेमाश के तरीके बयान करें, बिलवासा और बिलावास्ता इंतखाब या इलेक्शन की खसूसियात लिखें, एक फलाही रियासत के फ़राइज़ बयान करें, एक सियासी रियासत में गैर मुस्लिमों के हकूक़ बयान करें, आज़ादी की तारीफ़ करें और इसके इंतजात को तफसील से बयान करें, जमहूरियत की तारीफ़ करें और इसकी खसूसियात और खामियाँ बयान करें, इक़्तदार आला की मुख्तलिफ़ अक़साम और ख़ुसूसियात बयान करें, वहदानी तर्ज़ हुकूमत की खूबियाँ और खामियाँ लिखें, जमहूरियत की कामयाबी के लिए शरात लिखें, अदलिया के फ़राइज़ लिखें, कम्यूनिज़म पर नोट लिखें, इत्तेहाद पर नोट लिखें, एक जमहूरी रियासत में अदलिया की आज़ादी को किस तरह मुमकिन बनाया जा सकता है, वफ़ाक़ी निज़ामे हुकूमत की खूबियाँ और खामियाँ लिखें। स्टूडेंट, ये थे आप लोगों के इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन। अगर आपको इम्तिहान में कामयाब करें आमीन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई आने वाली अपडेट्स मिलती रहें।